प्रदेश में बढ़ते क्राइम, करप्शन और कर्ज को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने साधा सरकार पर निशाना। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव आगाज हो चुका है। प्रदेश के दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में आगामी 3 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में पहुंचेगी। इस यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने और कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बुधवार को शिवपुरी पहुंचे। यहां शहर के गांधी सेवा आश्रम में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव को पर्ची वाला सीएम और प्रदेश की सरकार को पर्ची वाली सरकार बता दी। सुनिए क्या कहा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने। अवगत कराया, अभी मोहन यादव जी जब से बने, पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी तब बहुत सी बातें सरकार और कांग्रेस को लेके भी की थी और ये कहा था कि जो जीता वो सिकंदर। अभी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री जो हमारे बने हैं असल में जनादेश देके नहीं बने हैं। जनादेश शिवराज जी के नाम पे मिला था और भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे पे ही जो भी बातें प्रदेश को कही गई थी वो कही थी। ये अलग बात है कि पर्ची एक निकली, नरेंद्र मोदी जी ने भेजी और शिवराज जी से पढ़वा दी कि ये देखो कौन है। पर्ची में से नाम निकला मोहन यादव जी का, यानी पर्ची के मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री विधायकों के चुने हुए नहीं, ये पर्ची के नरेंद्र मोदी जी के निर्देश और आदेश के मुख्यमंत्री। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि पर्ची के मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा है। दो महीने में कूद के पांव पालने दिख रहे हैं। क्राइम अद्भुत है, अकल्पनीय है। आप सबके सामने भी एक व्यक्ति के लिए बीजेपी के पार्षद ने उसके भाई की हत्या कर दी, मैंने एसपी को बोला, वो उसके तर्क दे रहा था। ऐसे ही कल एक बेटी की हत्या हुई और उसकी माँ पर गोलियां कल ग्वालियर में चली। कल एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार इंदौर में हुआ। मतलब क्राइम में मध्य प्रदेश 30 साल में 2 महीने में सबसे ज्यादा। ये पर्ची के मुख्यमंत्री के राज में जब मैं पिछली बार आपसे मिला था और अब मिल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा नया लिया। ये पर्ची के मुख्यमंत्री जब से बने, आप ये टोल नाकों से निकलो तो जो पैसा पहले लगता था तब भी क्राइम था, ये करप्शन था, अब उसका सीधा डबल हो गया। कहीं भी आप देखो कि लूट की छूट एक तरह से बीजेपी को मिल चुकी है। तो पर्ची के मुख्यमंत्री ने केसीसी, क्राइम, करप्शन और कर्ज, इस पे पूरा फोकस कर रखा है। ये मैं मानता हूँ ये आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक है।